नमस्कार मित्रों, यूपी पीसीएस मेंस 2018 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टडी किया जाए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जनरल स्टडी के, जो कि परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, यूपी पीसीएस मेंस 2018 का एग्ज़ाम जो प्रतियोगी छात्र देना चाह रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडी का कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए जान लेते हैं कि ये है क्या। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। भारत और फ्रांस ने मिल करके इसकी शुरुआत किया। किन देशों ने मिल करके इसकी शुरुआत की? भारत और फ्रांस ने। 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई। 121 देश इसमें शामिल हैं। 80% देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, इन देशों में सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, इसीलिए ये देश शामिल भाई इसमें उन देशों में शामिल किया गया जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, जहां पर पूरे 12 महीने में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण इनके बीच में जो स्थित हैं भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। तो उन देशों को इनमें शामिल किया गया, 80% देश शामिल हैं। लक्ष्य क्या है इसका? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा, यानी कि भारत में स्थित है। और ये है इसकी जो मुख्यालय भारत में बना है, आप सोचिए कि भारत का इससे कद तो बढ़ेगा ही, भारत का महत्व तो बहुत बढ़ेगा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अग्रणी स्थान हासिल करेगा, क्योंकि भारत में इसका मुख्यालय बनाया गया, सभी देश यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जब भी कोई इसकी कोई कार्यक्रम होगा या सम्मेलन होगा तो यहाँ पर भारत में सभी देशों का सम्मेलन होगा। उन देशों को मंच पर लाना इसका लक्ष्य क्या है? उन देशों को मंच पर लाना जो स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ जलवायु का समर्थन करते हैं, यानी कि उन देशों को हम मंच पर लाएंगे जो बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना इसका मेन लक्ष्य ये है, मेन उद्देश्य है इस संगठन का। कि जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली इस संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य है? कि जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करना, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जलवायु का जो समर्थन करते हैं उन सभी देशों को एक मंच पर ला करके एक रणनीति तैयार करना जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। यह संगठन सौर ऊर्जा के विकास, उपयोग को बढ़ावा देता है और वर्तमान और भावी पीढ़ी को जिससे कि ऊर्जा सुरक्षा दी जा सके। यह संगठन क्या काम करेगा? सौर ऊर्जा का विकास करेगा, उत्पादन करेगा और उसके उपयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है, जिससे कि वर्तमान और भावी पीढ़ी को स्वच्छ ऊर्जा दी जा सके। इस संगठन के बनने से भारत का कद बढ़ेगा, भारत का महत्व बढ़ेगा। भारत को जलवायु परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि भारत में इसका जो मुख्यालय बनने से भारत को ये लाभ होगा कि भारत को जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय विकास के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर प्रदान होगा। भारत को जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही, इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है यह संगठन। यह उम्मीद की जाती है कि यदि यह संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो यह वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए तो बात सही है, अगर यह सफल हो जाता है तो फिर वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा।
देखिए मित्रों, अगर हम कोई भी मेंस का टॉपिक लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी कि ये है क्या। कोई भी संगठन के बारे में क्वेश्चन आता है तो हम उसके बारे में बताएंगे कि इसकी जो बेस है, प्रस्तावना है, उसमें बताएंगे कि क्या ये संगठन है क्या, इस संगठन की स्थापना किसने की, कब की, कौन कौन से देश शामिल हैं। ये सब चर्चा करने के बाद सीधे उस टॉपिक पर आएंगे कि इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसको क्यों स्थापित करने की ज़रूरत पड़ी, हमने इसको क्यों स्थापित किया, फिर इसके एम क्या हैं, गोल लक्ष्य क्या हैं इसके, ठीक है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, ठीक है, और यदि यह लास्ट में हम हमेशा सकारात्मक उम्मीद के साथ सकारात्मक परिणाम देंगे कि यदि यह चीज़ सफल हो जाती है, ठीक है, यदि यह चीज़ सफल हो जाती है तो आगे भविष्य में इसके क्या सुधार होने की संभावना है, इस संगठन से हमें क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। हानियां तो आपको गिनानी नहीं है, ठीक है, वैसे कोई सरकारी योजना अगर लागू कर रही है तो ये जरूर गिनाना है कि अगर सरकार इसमें सफल हो जाती है, सकारात्मक उद्देश्य देना है कि यदि हम इस क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो इससे ये लाभ होंगे, ठीक है। और कभी भी कोई टॉपिक लिखिए उसमें ये जरूर दर्शाइए कि वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों ने जो भी ऊर्जा के क्षेत्र में जो सही काम किए हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। वर्तमान सरकार के साथ भारतीय नागरिकों का साथ है, ठीक है, और आपको ये भी उसमें ज़रूर पॉइंट जोड़ना चाहिए कि जनता की सहभागिता यानी नागरिकों की सहभागिता यदि होती है तो हम इस लक्ष्य को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेंगे। सरकार के साथ साथ जनता की सहभागिता की बहुत ज़रूरत है। और सबसे अंत में एक पॉइंट ये ज़रूर लिखना है कि अगर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी होता है तो भारत को विश्व का नंबर वन देश यानी कि विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में हम एक लाइन जरूर लिखेंगे कि अगर हमें भारत को वैश्विक पारदर्श पर नंबर वन स्थान दिलाना है तो हमें इस तरह के और कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, वैसे ही हर टॉपिक में हम आपको बताते रहेंगे जिससे कि कोई भी अपरिचित क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि जो अननोन क्वेश्चन है उसका आंसर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका आंसर हम कहीं ना कहीं से लिंक करके हम उसको लिख सकें। ऐसा तो है नहीं, आप जानते हैं कि PCS के एग्ज़ाम में कभी भी रटे रटाए क्वेश्चन तो आते नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको अननोन क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनका आंसर हमें स्वयं अपनी भाषा में देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो पर आपकी पकड़ निश्चित हो सकेगी।